हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो में मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दिखाऊंगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में प्रभास पाटन में आया है और सोमनाथ मंदिर मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विजिट करने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन है, जो 3 किलोमीटर दूर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट दीव एयरपोर्ट है, जो 85 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर ट्रेन वेरावल रेलवे स्टेशन पर आती है और वेरावल से सोमनाथ का डिस्टेंस 7 किलोमीटर का है। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना मना है। मंदिर के सामने कई सारे लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वहां पे रख सकते हैं। मंदिर सुबह के 6 बजे से शाम के 10 बजे तक खुला रहता है और सुबह की आरती 7 बजे होती है, दोपहर की आरती 12 बजे और शाम की आरती 7 बजे होती है, और रात को 8 बजे लाइट शो भी होता है। आमतौर पर सभी पर्यटन स्थलों और मंदिरों में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, जिसके कारण लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी विशेषता है, जैसे कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और इस मंदिर का निर्माण करने में 5 वर्ष लग गए थे। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है और ये तीर यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यह मंदिर हिंदू धर्म के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर से बनवाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर के एंट्रेंस के पास बीच और वॉकवे है। सोमनाथ बीच में एंट्री होते ही हनुमान जी का स्टेच्यू आता है और बीच पे कैमल राइड, हॉर्स राइड और कई सारी फूड स्टॉल भी है। सोमनाथ वॉकवे का डिस्टेंस 1.25 किलोमीटर है और वॉकवे पे जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। टिकट का प्राइस 5 रुपये पर पर्सन है और आप वॉकवे पर साइकिलिंग भी कर सकते हो रेंट पर लेके। वॉकवे से मंदिर और समुद्र का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर के एंट्रेंस के सामने कई सारे होटल्स और धर्मशालाएं हैं। सोमनाथ मंदिर के नज़दीक घूमने के लिए कई सारे प्लेस है, जैसे कि त्रिवेणी संगम, राम मंदिर, गीता मंदिर, 5 पांडव का मंदिर और बालका तीर्थ।
त्रिवेणी संगम सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती नदी, ये तीनों नदी यहाँ पे मिलती है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पे विंटर में हजारों की संख्या में सीगल देखने को मिलते हैं और त्रिवेणी संगम पे आप बोट राइड का मजा भी ले सकते हो, जिसका प्राइस 30 रुपये पर पर्सन है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पालका तीर्थ में।